इसकी मटकी मैंने नीचे उतार दी है। ये तीन बच्चे हैं फिशर के, जो भी हुआ है हो गया, अल्लाह की तरफ से, कुछ कर तो सकते नहीं है। हाँ भाई, क्या हाल है भाई? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो भाई एक अर्जेंट वीडियो बनानी पड़ रही है। भाई ये मेरा फिशर का पेयर है, ये मेरा सबसे पहला वाला पेयर है जिसने पिछले साल भी काफी अच्छी ब्रीड करी थी। तो उसके बाद जब इसने इस साल ब्रीड करी है तो इसके पहले जो क्लच निकला था वो मैंने अलग कर लिया था, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। बाकी इसकी दूसरी ब्रीड जो करी थी ना, तो माशाल्लाह इसने 4 से 5 अंडे दिए थे, लेकिन माशाल्लाह इसने जो है 4 बच्चे निकाले थे, और 4 जो काफी बड़े भी हो गए थे, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसमें से हुआ ये कि 4 में से जो है वो 3 मर गए। अब ये मुझे नहीं पता यार क्या हो गया, हालांकि मैंने 3-4 दिन पहले मटकी चेक करी थी तो चारों बच्चे जो है वो सही थे, लेकिन अभी मैंने सुबह चेक किया तो इसमें 3 बच्चे जो है वो मर गए, सिर्फ एक बच्चा जो है वो जिंदा है। इसकी मटकी मैंने नीचे उतार दी, अब बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये 3 बच्चे हैं फिशर के, तीनों जो है वो पता नहीं यार कैसे मर गए। इनका पेट भी आप देख सकते हैं फुल हुआ हुआ है, हालांकि ना इनको किसी ने मारा। नर मादी जो है वो ये ऊपर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह कभी मारा नहीं इन्होंने, इतने सारे बच्चे पाले। लेकिन इस दफा पता नहीं क्या हुआ, 4 बच्चे निकले थे, उसमें से ये 3 जो है दोस्तों ये मर गए, बाकी एक बच्चा जो है ना वो जिंदा है। उसको मैंने अभी बाहर निकाला था, इसलिए निकाला था कि अब ये इन बच्चों को मैंने निकालना है, इनकी सफाई करूंगा मटकी की, फिर दोबारा घास वास डाल के ना उस वाले बच्चे को मैं इसके अंदर डाल दूंगा। जो भी हुआ है हो गया, अल्लाह की तरफ से, कुछ कर तो सकते नहीं है। तो भाई ये अब मैंने आपको बता दिया, इसी के साथ शेर का जो है ना वो दूसरा पेयर मेरा इस वाली मटकी के अंदर है, तो इसके अंदर भी जो है वो बच्चे निकल चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर माशाल्लाह से इसने जो ना वो 4 ही अंडे दिए थे इस वाले पेयर ने, और माशाल्लाह से 4 बच्चे निकल गए। कल मैंने देखा था तो 3 बच्चे निकले थे और एक जो है ना वो अंडा था, लेकिन अभी माशाल्लाह से सबसे छोटा वाला बच्चा है ना, ये मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले ही निकला, या रात में निकला हुआ या सुबह सुबह निकला। इनको मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, और इसके अंदर मैंने थोड़ी घास भी डालनी है, इंशाल्लाह मैं बाद में डाल दूंगा, बाद में मतलब कि आज ही डाल दूंगा ज़्यादा, वरना ये जो है ना 4 बच्चे गंदगी करेंगे तो फिर इनके मुँह में चिपक जाएगी, फिर ये दोबारा इनके साथ भी कोई मसले मसाइल ना हो जाए। अच्छा, बाकी ये जो लोटिनो है ना दोस्तों, इसने भी ब्रीड करी थी, पहली ब्रीड करी थी, पहला बच्चा इसका निकला था, मैंने आपको दिखाया। तो इसका जो वो बच्चा है ना, एक बच्चा जो बड़ा हो गया था वो दोस्तों वो रहा, देखिए वो पीछे फिशर के बच्चों के साथ मैंने छोड़ा हुआ। ये जो मेरे पास 2 पेयर है ना फिशर के, उन्हीं में से ये बच्चे सारे निकले, 5 फिशर के बच्चे और एक जो है ये लोटिनो का बच्चा है, तो सबको मैंने इसी में डाला। बाकी उसके बाद से जो है ना ये लोटिनो के पेयर ने ब्रीड नहीं करी दूसरी दफा, उन्हें मतलब अंडे भी नहीं दिए। तो अब फिर काफ़ी टाइम तक मटकी लगी भी थी, जब मैं 4 महीने बाद घर आया था तो फिर मैंने थोड़े दिन मैंने खुद भी देखा, मैंने बोला ये तो ऐसी फालतू बैठी हुई है मादी, तो मैंने मटकी निकाल दी थी। तो अब जो है ना थोड़े टाइम बाद मटकी लगाऊंगा ताकि थोड़ा रेस्ट हो जाए, थोड़ा मादी हिलजुल कर ले, फ्लाई वगैरह कर ले, मटकी में हर वक्त बैठी रहती है तो थोड़ा सा ये एक्टिव हो जाए, फिर दोबारा मटकी लगाऊंगा। तब तक जो है हमारा पिंजरा भी ऊपर चले आएगा छत पर, और हमारा जो वो सेटअप भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कुछ खास नहीं थी, बस अचानक बनानी पड़ गई है, बना रहा था तो मैंने सोचा चलो ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखा दूँ। माशाल्लाह आई तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अचानक से ये जो बच्चे मारे ना, इससे थोड़ा सा मेरा जो है मूड ख़राब हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो पसंद आई होगी, फिशर की पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोग से 1-2 दिन बाद मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।